आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर असम के नलबारी से है, जहां पे आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि अयोध्या में आज राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। इस भूमि पूजन के शुभ अवसर पर असम राज्य में भी हिंदू धर्म के लोग मंदिर आश्रम में पूजा अर्चना किए। बता दें कि असम राज्य के नलबारी में भी दूधनाथ विग्रह आश्रम में नलबारी के विधायक अशोक शर्मा के उद्योग में विष्णु यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अनुष्ठान में हिंदू धर्म के सभी लोगों के साथ साथ असम पर्यटन निगम के अध्यक्ष जयंत मल वरुआ ने भी हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि कार्यक्रम में मुस्लिम बंधुओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लगभग 500 साल के बाद हिंदुओं का आराधना स्थली पुरुषोत्तम महाप्रभु रामचंद्र के जन्म निवास पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए आज अयोध्या पर हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भूमि पूजन करेगा। और इस सिलसिले में नलबारी में हम लोग एक यज्ञ का आयोजन किया। इस कार्यसूची सुखद और समृद्धिशाली से समापन हो और इसके लिए हम नलबारी में ये यज्ञ का आयोजन किया। असम को मात्र में क्या का मिट्टी और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी इधर से लेके गए, वो भी इस्तेमाल होंगे भूमि पूजन में, अयोध्या में क्या बोलना चाहेंगे? आज जो भूमि पूजन हो रहा है अयोध्या में, वो भूमि पूजन के लिए देश भर का हर शक्तिपीठ से हमारा माँ कामाख्या का पीठ से भूमि और जल लेकर गया हमारा असम से, और इसे आज शक्तिपीठ से भूमि और जल लेकर अयोध्या में आज भूमि पूजन हो रहा है। आज भारतवर्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जो 500 साल से भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का जो पालन करता है हिंदू धर्म लोग, ये लोग 500 साल से तपस्या करके अपनी धैर्यों से अपनी भगवान का इबादत करते हुए रुका था, लेकिन आज वो समाधान हो गया। राम मंदिर ऐसा एक चीज़ है जो मुगल जो लोग ने अत्याचार करके, जो वो लोग हमला करके हिंदू धर्म लोग को माने बख करके ये सब करने के लिए मना करते रहता था, लेकिन हिंदू धर्म लोग हिंदू आदमी लोग इतना सबूर किया है और इतना वो लोग को तपस्या किया है, वो लोग झगड़ा में नहीं गया, वो लोग हमेशा मिल मोहब्बत में गया और आराधना किया प्रभु को, राम जी को आराधना किया, और उसी का फल से आज ये राम मंदिर हुआ है। और ये बहुत ही खुशी की बात है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है, ये आज इंडिया की हर आदमी आज इस राम मंदिर के लिए एक बत्ती जलाना चाहिए और उत्सव करना चाहिए, जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए प्रभु के लिए। और इंडिया का बाहर में भी जितना हम लोग का हिंदू धर्म आदमी हैं, सब एक साथ मिल करके ये महफिल बनाना चाहिए। इसमें जितना भी हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन आदमी है, सबके लिए आज एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है।